नमस्कार दोस्तों, एक्सरसाइज 3.2 चल रही थी हमारी। एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड क्वेश्चन हमें करना था दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन इसका बेसिक आपको बताना जरूरी है। बेसिक पूरे के पूरे थर्ड यूनिट में ही काम आएगा, तो यहाँ से इसका बेसिक स्टार्ट होता है। कुछ चीज़ें बताने वाली हैं, वो आपको बताता हूँ मैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या है? ऑन कंपेयरिंग द रेशोज A1/A2, B1/B2 and C1/C2। अब ये तीनों चीज़ें होती क्या हैं, ये भी आपको मैं नोटबुक में अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। तो क्वेश्चन पढ़ लें। फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट पैरेलल और को इंसिडेंट। देखिए, तीन कंडीशन है, या तो लाइन्स क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, या लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, या क्या होंगी, को इंसिडेंट होंगी दोस्तों। तो ये जो तीनों कंडीशंस हैं, इसके फर्स्ट पार्ट को लेके चलता हूं और फिर साथ ही साथ आपको बेसिक बताता हूं। हमें करना क्या है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का कंपैरिजन करके हमें ये तीनों में से कोई एक कंडीशन फाइनल करनी है कि ये जो दोनों लाइनें हैं, दोनों लाइन की इक्वेशंस हैं, उनसे ग्राफ कैसा बनेगा। एक्चुअल में हमें ग्राफ बनाना नहीं है, बिना ग्राफ ड्रॉ किए हमें यह बताना है कि ग्राफ की जो टाइप है, ग्राफ का जो टाइप है वो कैसा होगा। वो ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइनें बनाएगा, या ग्राफ पैरेलल लाइंस बनाएगा, या कोइंसिडेंट लाइन बनाएगा। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट पार्ट देखिए दोस्तों, फर्स्ट पार्ट क्या है, हमें दो इक्वेशन दे रखी है, दोनों इक्वेशन को रीड करते हैं। कह रहा है कि 5x-4y+8=0, और जो दूसरी इक्वेशन है वो ये है 7x+6y-9=0। तो जैसा कि आपको बताया था कि A1 क्या होता है, B1 क्या होता है और C1 क्या होता है, ये आपको तीनों पहले जानने हैं। देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इक्वेशन की AX+BY+C=0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इक्वेशन की, हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ अगर XX आ रहा है तो A की वैल्यू कितनी है, 5, ठीक है। यहाँ YY आ रहा है तो यहाँ B की वैल्यू कितनी है, -4। मैं कंपैरिजन करना सिखा रहा हूँ आपको, और C की जो वैल्यू है वो क्या है, 8 है। तो हमारे पास A1, B1 और C1 की वैल्यू आ गई। अगर यही चीज़ें हम सेकंड इक्वेशन की बात करें तो A की वैल्यू यानी कि A2 कितना होगा, 7, B2 कितना होगा, 6, और C2 कितना होगा, -9। ये A1, B1, C1 और A2, B2, C2 फाइंड कर लिया। तो आपको इसका बेसिक बता देता हूँ थोड़ा सा कि करना क्या था हमें। हमें दोस्तों तीन कंडीशन दी होती हैं, तीनों कंडीशंस आपको लर्न करनी है दोस्तों। हम क्या करेंगे, A1/A2 का कंपैरिजन करेंगे B1/B2 से, ठीक है दोस्तों। अगर ये पार्ट इसके इक्वल नहीं आता है, तो क्या करना है आपको, थर्ड वाला पार्ट चेक ही नहीं करना है, यानी कि C1 वाला पार्ट चेक नहीं करना है। कब चेक नहीं करना, जब ये दोनों पार्ट क्या नहीं आ रहे, इक्वल नहीं आ रहे। अच्छा, अब ये इक्वल नहीं आ रहे थे तो आगे वाला चेक नहीं करना, और अगर ये इक्वल आ रहे हैं तो हम थर्ड वाला चेक करेंगे दोस्तों। थर्ड वाला हो सकता है इक्वल हो, और थर्ड वाला हो सकता है इक्वल ना हो। तो हम इसके अकॉर्डिंग आपको ग्राफ बताते हैं कि कैसे बनेंगे। तीनों कंडीशंस को एक बार दोबारा देख लीजिए आप दोस्तों। तीनों कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है A1/A2 ≠ B1/B2, यानी कि फर्स्ट की दो पार्ट्स जो हैं वो इक्वल नहीं है, तो हम थर्ड वाले पे जाते ही नहीं है, थर्ड वाला चेक ही नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकंड कंडीशन में फर्स्ट वाले दो इक्वल हैं तो हो सकता है थर्ड वाला इक्वल हो, और यहाँ अगर पहले दो इक्वल हैं हो सकता है ये तीसरे वाला जो है इक्वल ना हो। तो यहाँ ये इक्वल है, यहाँ इक्वल नहीं है, ये दोनों तो सेम है। तो यहाँ जब आपकी ये कंडीशन बनेगी दोस्तों, A1/A2, B1/B2 के इक्वल बनेगा, तो क्या होगा, तो आपकी जो लाइनिंग हो, लाइनें बनेंगी, वो बनेंगी इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या लाइन बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये क्या है, फॉर्मूले हैं जो तीनों आपको लर्न करने हैं, और ग्राफ ड्रॉ किए बिना हमें पता चलता है कि लाइनें क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है। तीन तरीके का ग्राफ बनता है जैसा कि आपको पता ही है। कौन सा तीन तरीके का ग्राफ बनता है, तीनों मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। फर्स्ट कंडीशन में जो ग्राफ था उसमें अगर अपनी लाइनें इस तरीके से कट रही हैं तो उसको क्या बोल देते हैं हम, इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकेंड कंडीशन में अगर दोनों लाइनें जो बन रही हैं वो पैरेलल बने तो उसको हम ये कंडीशन बनाएंगे पैरेलल वाली। थर्ड में, ये थर्ड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बने, तो उसको क्या बोल देते हैं,
को इंसिडेंट लाइन बोलते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे अगर तीनों ही इक्वल हैं, ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू, सी वन अपॉन सी टू के इक्वल है, तो ये क्या बनेगा, को इंसिडेंट लाइन बनेगी। क्या बनेगी, को इंसिडेंट लाइन्स बनेंगी, ठीक है। और अगर थर्ड की बात करें, पहले वाले दो इक्वल हैं, थर्ड वाला इक्वल नहीं है, तो कैसी लाइन बनेगी दोस्तों, लाइन बनेगी पैरेलल, लाइन बनेगी पैरेलल। तो ये तीन कंडीशंस आपको लर्न करनी है और ये पूरे के पूरे चैप्टर में हमारे काम भी आएंगी, इसलिए आपको लर्न करनी है। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोबारा चलता हूँ। ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा था, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली, तो इसको यहीं सॉल्व कर देता हूँ दोस्तों। हम यहाँ चेक कर रहे हैं ए वन अपॉन ए टू की वैल्यू, ए वन अपॉन ए टू की वैल्यू कितनी दोस्तों, ए वन कितना 5 और ए टू कितना 7। तो ए वन अपॉन ए टू की वैल्यू आ गई 5/7, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसकी देखनी है हमें, फिर देखेंगे कि इक्वल है या नहीं है। तो बी वन अपॉन बी टू की वैल्यू कितनी, बी वन कितना -4 और बी टू कितना 6, ये कैंसिल हो रहा है, तो इसको कैंसिल आउट करके क्या लिख सकते हैं हम, 2/3 लिख सकते हैं, 2 2 = 4, 2 3 = 6। तो यहाँ आप देख रहे हो दोस्तों कि ये ए वन अपॉन ए टू की वैल्यू आई है 5/7 और बी वन अपॉन बी टू की वैल्यू आई -2/3, जो कि इक्वल नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन को फॉलो हो रहा है, यानी कि अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं आ रही तो हम थर्ड की तरफ चलेंगे ही नहीं। तो ये पहले दो से ही पता चल गया कि कौन सी लाइन बनेगी, लाइन बनेगी दोस्तों इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ऐसी लाइन बनेगी, जो भी दो लाइनें बनेंगी वो आपस में जरूर काटेंगी। तो ये आपको समझ में आ गया कि लाइन कैसी बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो सेकंड पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का, तो हमारे पास ए वन अपॉन ए टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ दोस्तों, ए वन अपॉन ए टू कितना, ए वन कितना 9 और ए टू कितना 18, यानी कि x के साथ जो मल्टीप्लाई में होते हैं वो a1 होता है और a2 होता है। a1 है हमारे पास 9 और a2 कितना है 18, तो ये कैंसिल भी हो रहा है, यहाँ क्या बन रहा है 1/2। तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू आ गई अपने पास 1/2, ठीक है। फिर मैं चेक कर रहा हूँ दोस्तों b1 अपॉन b2 कितना, b1 अपॉन b2, तो b1 कितना, इधर है 3 और इधर है 6। ध्यान रखना अगर यहाँ प्लस के साथ, प्लस की जगह अगर कहीं माइनस आएगा तो माइनस यहाँ लिखना है हमें, ठीक है। तो ये कितना बन गया 1/2, तो b1 अपॉन b2 की वैल्यू भी कितनी आई 1/2, a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी आई 1/2। तो यहाँ कंडीशंस की तरफ लेके चलूँ आपको, अगर पहले दो इक्वल नहीं है तो हमें थर्ड चेक नहीं करना है, c1 अपॉन c2 चेक नहीं करना है। और अगर पहले दो इक्वल हैं तो यहाँ देखिए a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल आ गया, तो हमें थर्ड भी चेक करना है, हो सकता है वो इक्वल ना हो, हो सकता है वो इक्वल हो। तो यहाँ हम C1 अपॉन C2 भी चेक करेंगे, तो C1 कितना, इधर इधर है 12 और इधर है 24, ठीक है। तो ये बन गया 1/2। तो यहाँ देख सकते हैं आपकी तीनों की वैल्यू 1/2 1/2 1/2 ही आ रही है। जैसे मैं लिखूँ A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, अगर ये तीनों चीज़ें इक्वल आती हैं, ये तीनों चीज़ें इक्वल आती हैं, तो देखिए कंडीशन देखो कौन सी बन रही है, सेकेंड बन रही है, कौन सी लाइन बनेगी, को इंसिडेंट लाइन बनेगी दोस्तों। को इंसिडेंट लाइन कौन सी होती हैं, जिसमें एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनती है, यानी कि सेम सेम पॉइंट आएंगे ना, तो ये सेम लाइन बनेगी दोस्तों। तो थर्ड पार्ट आ गया आपके सामने, a1 अपॉन a2 देख लेते हैं, a1 कितना है यहाँ 6 है और a2 कितना है 2 है, a2 कितना है 2 है, तो कैंसिल हो गया ये 2 1 = 2 और 2 3 = 6, यानी कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी आई है दोस्तों 3/1, यानी कि 3 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ रेशो की बात हो रही है तो 3/1 ही लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे b1 अपॉन b2, b1 इधर कितना, जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया कि यहाँ -3 है, तो -3 लिखेंगे, ओनली 3 नहीं लिखेंगे, ठीक है। b2 की वैल्यू कितनी, यहाँ y के साथ आपको कुछ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ मुझे दिख रहा है -1, यहाँ कितना दिख रहा है 1, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो सबका मालिक एक होता है, यहाँ हम -1 लिखेंगे। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये भी कितना बन गया 3/1 बन गया प्लस का। तो यहाँ हमें पता लग गया कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है। जब इक्वल होता है तो आपको वापस कंडीशन पे लेके चलूँ, ये पहले दो पार्ट अगर इक्वल हैं तो हमें थर्ड चेक करना होता है, और अगर पहले दो इक्वल नहीं है तो हमें थर्ड चेक नहीं करना है। तो C1 अपॉन C2 और चेक कर लेते हैं, C1 अपॉन C2 कितना, C1 इधर है 10 और C2 कितना है 9, तो ये 10/9 है, ये दोनों क्या है 3/1 3/1, तो यहाँ मैं इसका सॉल्यूशन आंसर लिख सकता हूँ, व्हाट A1 अपॉन A2 इज इक्वल B1 अपॉन B2, देखिए दोनों इक्वल हैं, बट
सी वन अपॉन सी टू जो है वो इक्वल नहीं है। ये कंडीशन आपकी बन रही है कि दो इक्वल हैं, थर्ड वाला इक्वल नहीं है। तो अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो लाइनें कैसी बनेंगी दोस्तों, लाइनें बनेंगी पैरेलल। लाइनें कैसी बनेंगी, पैरेलल लाइन ड्रॉ होंगी इसकी, ठीक है।